के नींदड़ में एक बार फिर जेडीए की कार्रवाई के विरोध में चार दिन से जारी किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह शुक्रवार को समाप्त हो गया। मुख्य सचेतक महेश जोशी की किसानों के साथ वार्ता के बाद किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी और इससे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी और किसानों के बीच में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी और इसके बाद जोशी की ओर से जेडीसीटी रविकांत से फोन पर बात की गई और दोनों पक्षों में सहमति के बाद किसानों ने आंदोलन को स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी। सहमति के बाद जेडीए की ओर से आश्वासन दिया गया कि अभी नींदड़ में आवास योजना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमारे जमीन समाधि सत्याग्रह के चौथे दिन माननीय मुख्यमंत्री जो कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनके अनुशंसा पर सरकार की तरफ से मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हमारे बीच में आए और उन्होंने हमसे एक सकारात्मक बातचीत की। उन्होंने हमें ये कहा कि जेडीए के साथ वो और सरकार के साथ आपकी वार्ता होगी, वार्ता के दौरान आपका जमीन समाधि सत्याग्रह सुरक्षित रखा जाएगा, नींदड़ की जमीन के ऊपर जेडीए कोई कार्रवाई नहीं करेगा और वार्ता जब तक समाप्त नहीं हो जाती, वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकल जाता तब तक जेडीए की सारी गतिविधियां जो है नींदड़ के अंदर वो समाप्त रहेगी। और अगर कोई धोखेबाजी आपके साथ होती है तो खुद महेश जोशी जी ने कहा कि वो खुद हमारे आंदोलन में शामिल होंगे, आंदोलन करेंगे हमारे साथ, तो मैं ये विश्वास करता हूँ। और जैसा कि महेश जोशी जी की बात के बाद जेडीसी ने स्पीकर फोन पर हमको आश्वासन दिया और ये कहा कि भाई हम आपसे वार्ता के लिए तैयार हैं, तो मेरा ये मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय महेश जोशी जी के सानिध्य में होने वाली हमारी सरकार और जेडीसी से जो वार्ता है उसका एक सही और सकारात्मक परिणाम आएगा, किसानों के और कॉलोनी वासियों के स्वाभिमान की रक्षा होगी।